हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं दो दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। भाभी के घर आई थी, ब्लॉग स्टार्ट बनाने का मन ही नहीं किया और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो आज मेरा न्यू ब्लॉग स्टार्ट होगा और मैं जा रही हूँ अपने मायके। अब मैं वहाँ उड़ूंगी, वहाँ की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएगी। अभी तो फिलहाल मैं ससुराल की वीडियो डाल रही हूँ, मायके की वीडियो कब डालूंगी नो आइडिया, क्योंकि वहाँ जाने के बाद पता नहीं वीडियो एडिटिंग कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियो ससुराल की पड़ी हुई है। तो आज मैंने ये मायके जाने के लिए कुछ ये ड्रेस पहन लिया है, तामझाम वाला। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बहुत और बताना। और इसको मैं विदा करके लेके जा रही हूँ इसके ससुराल। ये मेरे ससुराल लेके आई थी मुंबई से, मेरे ससुराल छोड़ी थी, अब मैं इसको इसके ससुराल लेके जा रही हूँ। तो इधर इसको देखा, आव भगत हो रहा है, कलर वगैरह लग रहा है, जो बेटियों को किया जाता है, परंपरा है। और इधर मावा बैठी हैं, भाभी की मम्मी, इधर भाभी एक हैं, वो कलर लगा रही हैं। तो हम पूरी तरह से रेडी हो गए हैं और उसके बाद हम निकलेंगे। उधर देखो एक भाभी हैं, खाना बना रही हैं, दिख नहीं रही है जहाँ, क्योंकि सब ऐसे वैसे बैठे हैं। इधर बड़ी भाभी हैं, ये भाभी की बड़ी भाभी हैं। हेलो बोलो भाभी, डाली तू भी आ? वो डाली नहीं आएगी, वो शर्मा रही है, आ जा थोड़ा सा रे। अरे भाग रही है, अंदर खाना बना रही है, भाग रही है, इसको कैमरे में आना ही नहीं है। थोड़ा सा ऐसा तो दिखा दे, नहीं आना है उसको। और उधर एक चाची उधर खाना बना रही है, तो हो सकता है जब, और उधर एक चाची देखो उधर चश्मा वश्मा लगा के उधर खाना बना रही है। आऊंगी तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। ये भाभी का मेरे कच्चा घर है, आप लोग देख सकते हो। हाँ चाची, हाँ अब देखो चाची खुद ही बुला रही है, आधा लोग भाग रहे हैं। चाची देखो इधर कहाँ हो, कितना अंदर, इधर देखो पुराने घर में खाना बन रहा है। हाँ हाँ इधर खिंचा चली, और रखना हुआ तब ना चाची की। देखा आटा उटा एकदम बेकायदा लगाए हैं, देखा लग रहा है ना खाए बनाए जाते हैं, खाए मतलब खाना बनाने जा रही है चाची। तो चिरंजी चली गई अपने ससुराल, बहू अपने मायके चली गई, चाची को खाना बनाना पड़ रहा है। और चलो वीडियो तो अब स्टार्ट हो गया है, वीडियो कंटिन्यू रहेगा। मैं पूरा वीडियो आप लोग को शूट करूंगी, अपने मायके का दिखाऊंगी, मेरा मायका कैसा है, मैं वहां रहती कैसे हूँ, वहां के लोग कैसे, सबसे मिलाऊंगी। तो अभी यही वीडियो स्टॉप करती हूँ, पर वीडियो में बने रहिएगा, आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो देखती हूँ ये रोए वोएगी, इसका भी वीडियो लूंगी, थोड़ा रोएगी ना वो भी मैं कैप्चर, चिरंजू तो मना कर दी थी, चिरंजू बोली थी बुआ मेरा वीडियो रोते हुए मत लेना, पर इसका मैं कैप्चर करूंगी कि विदाई कैसे होती है। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब भी रो के चलना है बिना रोए रहे। बोल रही है मुंबई जाते हुए रोऊंगी, मुंबई जाते हुए क्यों रोएगी, ससुराल जाते हुए रोना है। नहीं नहीं अभी भी छोड़ रही है चार दिन के लिए, अभी भी रो के जा। हमारा ऑटो आ गया है, सामान रख रहे हैं, सामान रखने के बाद हम निकल जाएंगे। कुछ 9 बजने वाले, 9 बज गए हैं, हम लोग सोचे थे 8:30 बजे निकल जाएंगे पर बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। निकलते हैं फटाफट, देखो हम अपने इंतजाम में जा रहे हैं, मच्छरदानी भी लेके जा रहे हैं। वहाँ कोई रहता नहीं है ना मायके में, मैं और भाभी जा रहे हैं तो हम मच्छरदानी भी लेके जा रहे हैं। तब देखो इधर खाने पीने का भी सामान लेके जा रहे हैं, उधर बनाएंगे खाएंगे, 2-4 दिन रहेंगे फिर निकल जाएंगे मुंबई के लिए। प्यारे राम रस बाय 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 डाली, अभी आ गई वीडियो में। चलो हम चले अपने नगरिया। बर्फी ली, 1 किलो बर्फी ली, और क्या लेना है, तू ले ली, तू ले ली, अच्छा ये ले ली। हम लोग भी यहाँ से मिठाई ले लिए, हो गया ना मिठाइया, वो पैसा दे रहे हैं ना अभी छुट्टा। ये मिठाई का दुकान, मिठाई मायके वाला। चल चल आ जा तू।
तो चलो दोस्तों, हम लोग ने टाकी लिया क्योंकि शादी में जा रहे हैं, देना इसको तो देना बनता है, यही देगी। और देखेंगे अभी, वो गिफ्ट तो नहीं लिए ना, कहाँ मिलता है गिफ्टवा? गिफ्टवा शायद वो देखो, वो वाला दुकान है शायद गिफ्ट का। हाँ देखे उधर, ये वाले दुकान से देख सकते हैं, ये वाला दुकान है, यहाँ से हम देखते हैं कुछ गिफ्ट मिलेगा तो ले लेंगे, अगर यहाँ नहीं मिला तो मोकलपुर जाएंगे, मोकलपुर से कोशिश करेंगे, अगर यहाँ मिल गया तो और अच्छी बात है। कौन सा गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? शादी में देते हैं, शादी में देते हैं ना वैसा गिफ्ट। जल्दी गाड़ी में गिफ्ट शादी में देने के लिए, शादी में देते हैं ना कुछ ऐसा गिफ्ट है, नहीं होगा तो जाने देने, वो देख उधर। अच्छा ये सब शादी में देते हैं, वॉच वगैरह, घड़ी है, सब यही ले ले। चलो दोस्तों मैं खरीद लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग से बात करती हूँ। तो ये गिफ्ट का देने के लिए हमने ये ले लिया है, अच्छा लग रहा है ना, पर बहुत महंगा देख रहे हैं, दे रहे हैं, देखते हैं इसको थोड़ा सा छुड़ा बढ़ा के देते हैं। गाँव में बाजार उजार जाने का जाना ही नहीं, किसी के साथ बाजार उजार जाना ही नहीं, किसी के साथ बाजार उजार जाना ही नहीं है। मैं तो जाऊंगी, तू अपना बाजार घूमी न, तू नहीं घूमी मेरा बाजार? नहीं, मैं तेरा बाजार में मेरा इंटरेस्ट नहीं आया, मैं मेरे बाजार में तो एक चक्कर तो मारूंगी, मैं वो तो जाऊंगी, लेकिन ऐसे फालतू मतलब घाम में, घाम में नहीं जाएंगे, जो मतलब जो जरूरी सामान है इम्पोर्टेंट अभी के लिए वो हमने ले लिया है, अब वो टेंशन नहीं है, बाकी घूमने के लिए जाएंगे तो जरूर मोकलपुर। तो ये हमारा गिफ्ट पैक हो रहा है, और गर्मी की वजह से देखो हालत कैसी हो रही है, अभी घर से निकली नहीं कि पसीना पसीना हो गए। ये भैया बहुत अच्छे से हमें गिफ्ट फटाफट करके दे दिया। हाँ ठीक है, हाँ वहीं से ले लेंगे, हो गया अब हम फटाफट निकलते हैं। थैंक यू बेटा, हाँ फटाफट तुमने अच्छे भाव में दे दिया, थैंक यू सो मच। चलो अब हम निकलते हैं, ये हमारा टाकी हो गया, इसी में सारा गिफ्ट वगैरह हो गया, अब हम निकलते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम आ गए हैं अपने पाली बाजार, ये जो रास्ता है ये मेरे कॉलेज की तरफ जाता है, मैं आगे जाएंगे तो कॉलेज आता है, इस रास्ते से मेरा घर आता है। तो ये हम एंट्री मार चुके हैं रजमलपुर वाले रोड पे, सीधा मोकलपुर जाएंगे। कितना तार में पड़ी हूँ, यही रास्ते से आई गई हूँ। नहीं मेहदीगंज वाला तो उधर आगे है, हाँ पीछे छूट गया। इसी रास्ते से हमारा साइकिल लेके आना जाना होता था, पूरा एक घंटा निकल जाता था वहां। ये आ गया बिजूरा बाबा, इन्हें यहाँ ना बिजूरा बाबा बोलते हैं। हाँ तो यही हम लोग थक गए रहते थे ना, यही खड़े होके तो दोस्तों ये है बिजूरा बाबा, जब भी हम थक जाते थे या तो धूप वगैरह रहता था तो यही खड़े होके थोड़ा सा आराम आराम करके फिर जाते थे या घर या स्कूल की तरफ, कॉलेज की तरफ। परिया का नानी का घर, वो जो टंकी लगी हुई है ना, वही आम का पेड़ है आगे, ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, जो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है ना वही है। देख परी तेरे नानी का घर कैप्चर क्यों। बाबा मस्तान किया, वर्जी का ऐसा कोई नहीं होगा कि यहाँ नहीं आया होगा। जब हम लोग, मैं अकेले रहती थी या कोई भी लड़की अकेले रहती थी ना, यही ज्यादा करके डरती थी, क्योंकि ये जंगल था ना। अच्छा। ये जंगल था, ऊपर से टन था, तो यहाँ लोग दिखते नहीं थे ना, अभी उधर से कौन आ रहा दिखता ही नहीं था ना सामने से, तो यही डर लगता था। अभी तो घर बन गया, तब ये घर नहीं था ना, ये सब नहीं था, ये सब तब नहीं बना था जब हम लोग आए थे स्कूल आते, बहुत डर लगता था। हाँ ये पोखरा है, बहुत गहरा पोखरा है, पोखरा तो पता नहीं क्या नाम हो गए, नीनूरा नहीं, नीनूरा तो वहाँ अपने हो रही है, नीनूरा मराठा ने वहाँ अपने हो रही है,
वही रजमलपुर वाला पोखरा है अभी, यहाँ से मोकलपुर स्टार्ट होगा, अब आगे जाके मोकलपुर ही आएगा, रजमलपुर खत्म। आ गया अपना मोकलपुर, यही कहीं अपने उनाऊ ले है ना तालिक चच्चा, नहीं वो अगवा ले आने, अगवा रोकना भैया समोसा का दुकान दिखेगा। सब बोलते हैं मोकलपुर बहुत डेवलप हो गया है, वैसे ही तो दिख रहा है, थोड़ा बहुत खाली बड़ा है, यही साइड में लगाना भैया, देखते हैं है जा। अरे यहीं से टर्न मारो, यहीं से टर्न मारना है ना। आ गई मैं अपने मोकलपुर बाजार में, मेरा बाजार जहाँ मैं हमेशा घूमती रहती थी, तब यहाँ से मैं लूंगी समोसा, क्योंकि कोई खाना बनाए रहे या ना बनाए, खाना मिलेगा कि नहीं बनाए रहे अपना इंतजाम करके निकलो। यहाँ से समोसा कैसा चाची, समोसा 6 रुपया 12 समोसा दे दो। हाँ यहाँ से मैं ले रही समोसा, क्योंकि भूख लगी है, हम लोग बस नाश्ता करके निकले थे। भजिया कैसे हो, 15 रुपया 100 ग्राम 12 समोसा कितना हुई। भाभी रिक्शे में बैठी है, बाहर नहीं निकली, इधर भौरिया बनने की कोशिश करेगी, सारा काम मेरे से ही करवाएगी, बोल रही है तेरा गांव आ गया ना, तू ही सब कर। ये रहा हमारा मोकलपुर बाजार, मैं सालों बाद इस बाजार में आई हूँ, सोचो 6 साल हो गए मुझे यहाँ आने आए हुए, 6 साल बाद मैं इस बाजार में एंट्री मारी हूँ, पता नहीं कब फिर से मौका मिलेगा, नो आइडिया। ये वाला जो दुकान है ना, ये बहुत पुराना दुकान है, जब हम स्कूल टाइम में थे ना तब से ये दुकान है, थोड़ा सा चाची आगे तक बढ़वा दी है, नहीं पहले अंदर तक ही था, अभी थोड़ा आगे तक बन गया है। बर्जी अच्छा, हाँ 6 साल बाद आ रही हूँ अपने मायके। ले लिए समोसा, मिठाई तो हमने वहीं से ले लिया है तिलोचन से, बस समोसा ले लिए हैं, और हम अपने रास्ते, देखो ये वाला जो रास्ता है ना, यहाँ से हम जाएंगे, आऊंगी मैं एक दिन मोकलपुर, तब पूरा शूट करूंगी पूरा अंदर तक बाजार कैसा है। चलो अभी बैठते हैं, अब इधर असली बहू बन रही है, असली का भाई भी नहीं, असली तैयारी है। नहीं कौन सा बोले, असली असली तो हूँ ही, नकली। ये देखो ये है नाई, बहुत ही पुराना नाई का दुकान है, अभी भी वहीं अटका हुआ है। अरे ये भी कितना डेवलप हो गया रे, ये तो पहले पेड़ वर कहाँ था, गटर तो था पर पेड़ वर नहीं था, और इधर साइड में सारे दुकानें बन गई हैं। आऊंगी बाजार, आऊंगी मोकलपुर, आऊंगी अच्छे से शूट करूंगी। ये देखो ये वो घर है, अभी कितना सारा बन गया, यहाँ हम लोग आटा पिसाने आते थे, चक्की थी, अभी चक्की भी नहीं रह गई। और ये जो रोड है सामने आप लोग को दिख रहा है, ये जो घर के पास रोड, वो मेरे स्कूल की जहाँ हम लोग ने 10वीं तक पढ़ा है, ये वाला रोड। आऊंगी मैं अपने स्कूल का भी शूट करूंगी। और हाँ ये नहर है, अभी पानी ही नहीं है, यहाँ बहुत दौरी छोपी है ना, तू भी छोपी है ना। और ये हमारे यहाँ का नाम नहीं लूंगी जो बोलती हूँ, नहीं तो आजकल सोशल मीडिया पे कास्ट को लेके बड़ा इशू हो जाता है। ये एक गांव है, इसके आगे हमारा वो सोनियमा वाला बगीचा है, और मैं अपना खेत दिखाती हूँ आप लोग को। ये हमारा गांव दिख रहा है सामने ना, ये मेरा गांव दिख रहा है, हम लोग घूम के जा रहे हैं, नहीं तो सीधा ये मेरा गांव है जो, हाँ ये है आगे अपना आएगा, ये सामने वाला है जो ये मेरा खेत है। और एक आम का आम का पेड़ भी मेरा ही है, आम हाँ। तो खत्म होने वाला है, आम तो है ही नहीं। और ये वाला 4 बिस्ता खेत अपना ये है ना? ये वाला 4 बिस्ता है, देखो रोड भी बना है, ये वाला अपना है। हाँ घर बनाएंगे तो दोनों साइड से चक्रोट आ जाएगा, नहर भी आ जाएगा, सामने चक्रोट भी बन गया है। यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे अपने घर की तरफ, यहाँ पहले छोटा सा दुकान हुआ करता था, वो वाले रास्ते से हम लोग आते नहरी पे जाते थे ना। हाँ। अभी देखो वहाँ भी पक्का बन गया और वो जंगल हो गया। ये आ गया मेरी फ्रेंड का घर, खुशबू है ना, खुशबू सिंह आई है, इधर ही है, एक कठौता बोल जाला।
देखो वहाँ बैठी है उसकी बहन यही है, वो बैठी है उधर ही। ये वाले लेना रास्ता भैया, और ये हमारा गांव है बनहापुर के नाम से जाना जाता है। ये है करण पट्टी, हम लोग आ गए अपने घर। ये देखो जिसमें ये ऊख लगा हुआ है, ये वाला मेरा, ये वाला थोड़ा दुआर भी तो निकला हुआ है। दो बिस्ते में तो अच्छा है, घर भी है दुआर भी है, चक्रोड है आधा। अच्छा चक्रोड जैसा बना लिया है, बन गया है, अच्छा है। हाँ, और ये है जहाँ हम लोग शादी में आए जाएंगे, ये वो शादी यहाँ है। आज ही हल्दी है, उसके बाद परसों शादी है, देखो तैयारी चालू हो गई है। और ये मेरे बड़े पापा का घर जहाँ मेरी शादी हुई थी,